प्रोफेसर बंधु, निर्णय महेंद्र से मैं अनुरोध करता हूँ। मीरा जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी, सबको नमस्कार। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने आपको चार निकष बताए। उसमें पहला निकष बताया है धर्म का, दूसरा निकष बताया है अर्थ का, तीसरा निकष बताया है काम का अर्थात उपभोग का, और चौथा निकष बताया है मोक्ष का। और मोक्ष की संज्ञा, मोक्ष का वर्णन जो मैं समझती हूँ वो यही है कि जब आप उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जहाँ आप संसार के सुख दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वह मुक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आपको समाज की ओर वापस मुड़ करके समाज को दिशा निर्देश करना होता है। और मेरे विचार से वही मोक्ष की व्याख्या है, ना किसी अन्यत्र कहीं कोई स्वर्ग है और वहां मैं जाकर के स्वर्ग का सुख लेने वाली हूँ, ऐसी मेरी मोक्ष की व्याख्या नहीं है। और जिनके लिए वह मोक्ष की व्याख्या हो उनके लिए नचिकेत की कहानी मैं कहूंगी कि आग्रह पूर्वक की उसे अवश्य पढ़िए, जहाँ नचिकेत ने कहा कि मुझे यह स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, मुझे इससे परे जो ज्ञान है वह ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान यमराज से लेकर के नचिकेत वापस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर जिया, और उसका जो संवाद हुआ यमराज के साथ वही आज हम कठोपनिषद में पाते हैं। तो मोक्ष का अर्थ वापस समाज की तरफ मुड़ना ये है। और ये चार बातें अगर आपके समाज में हैं तो आपका समाज सुसंस्कृत है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है।